Made for each other. Guys, welcome to my channel Poo Vlogs. और I'm back again with another video. और आज का video बहुत ही special होने वाला है क्योंकि आज मेरे घर में आए हैं एक special guest. तो सबसे पहले बताने के पहले मैं आपको दिखा देती हूँ. तो title में तो पता चल ही गया होगा. तो मैंने सोचा कि आज अभी वो जो guest है वो तो special बनाता है हमेशा. तो उनके सामने मैं क्या बनाऊँ, I don't know. तो मैंने यहाँ पे बनाया है सिंपल, जो हम लोग का अरुणाचल स्टाइल बॉयल ना, या असम स्टाइल, तो उसको पता है सब कुछ रेसिपी. और यहाँ पे हम लोकल राइस बना रहा है और हम लोग चिकन भी फ्राई किया. चिकन खा चुका है ऑलरेडी, ये थोड़ा बच गया, इसको हम गरम कर देगा अभी. तो अभी सब हम लोग बैठ के कहानी वहानी बोला, इतना अच्छा लगा, खूब एंजॉय किया. और अभी जब डिनर सर्व करेंगे तब मैं आपको सबसे मिलाऊंगी. ठीक है गाइस, हाय, सो वेलकम. ये सारे गेस्ट हमारे आए हैं. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है लीना. Hi. साथ साथ कौन है? यूट्यूब से मिलने वाला फ्रेंड्स. हेलो. और ये हमारा जुआई. जुआई बिंदु. उना को भी दिखा दो. उना सो रहा है यहाँ. उना सो रहा है. उना खाना है इसको. मुझे कुत्ता से बहुत डर लगता है, लेकिन उना को देख के प्यार हो गया. बोलो पहली बार किसी कुत्ते को देखे इतना प्यार करने का मन किया ना. अभी ना वो ऐसे है बिल्ली. अभी हम लोग बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाया. अभी डिनर करने वाले हैं. अभी जूस ये क्या क्या दिखा लो. जूस खाना भी नहीं वाला है. चिकन चिकन ड्राई फ्राई किया, उसके साथ हम लोग ये रियल जूस पिया. ये वाला खत्म हो गया. खत्म हो गया ना. और आज का क्या है स्पेशल? आज मतलब थोड़ा अरुणाचली स्टाइल का बॉयल बनाया है. ये देखिए, बनाओ विद बेम्बू शूट. तो इसको हम लीना को टेस्ट करा के दिखेगा कैसा लगेगा उन लोगों ना. अरुणाचल का हम लोग का लोकल खाना. और राइस भी लोकल राइस है. तो इसको गरम गरम राइस. हम लोगों का खेती का चावल है. हाँ, घर का चावल है. गायत्री, आप दोनों को कैसा लग रहा है खाना खाके? बहुत मजा. और ये पॉर्क पिकल तो बहुत मस्त है. यू शुड ट्राई. ऑडियंस को ना, तुम्हारा जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अरे सब लोग पिंक करो, कमेंट करो. जो ऐसे जो हम लोग का वहाँ पे पार्टी वार्टी होने से ऐसा बनाते हैं, मतलब बॉईल करके बेम्बू शूट डाल के. बहुत टेस्टी है. अच्छा लगा है ना. देखो मेरा प्लेट खत्म हो गया. और ले लो लीना, अब ठीक से खाओ. लीना ने थोड़ा चावल कम लिया था इसलिए जल्दी. ये जो पोर्क पिकल है ना, इसका रेसिपी आप लोग बोलिए शेयर करने के लिए. इतना टेस्टी है. अच्छा, मैं शेयर कर दूंगी. इतना देखिए, प्लेट देख के समझ में आ रहा है सर. थैंक यू सो मच. आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं. तुम तो खरीद हाँ, तुम तो अभी तुम बाद में दे. ये ना मेरा है केएफसी कृष्णा फ्राइड चिकन में हम लोग आए हैं. माजली का फेमस है. तो लीना हम लोग को लेकर आए यहाँ पे. एंड ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा. गाइस यहाँ में इतना हम लोग मेन्यू के लिए एकदम मीटिंग जैसा, पूरा बोर्ड मीटिंग जैसा डिस्कस कर रहे हैं. मीटिंग हो रहा है यहाँ में. एडवाइजर अपडेटिंग आफ्टर द मेन्यू इज डन. राहुल यहाँ का हम लोग गाइस. पहले दिन मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया अपने घर और दूसरे दिन हम लोग केएफसी से शुरुआत किया. उसके बाद लीना ने हमें बुलाया स्पेशल डिनर करवाने. कस्तूर भैया को मिलके कैसा लगा उनको?
गाइस लीना का व्लॉग तो आप लोग देखते ही होंगे, वहाँ पता चल ही गया होगा कि वो माजुली कुछ काम से आए थे एंड दिन भर यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी उसके पास इतना एनर्जी था हमारे लिए खाना बनाने के लिए एंड देट वॉज सो स्वीट ऑफ हर। तो अभी हम लोग यहाँ पे एनचेंटिंग माजुली में आए हैं स्पेशल डिनर करने। हम लोग सब लोग मिल के बना रहे हैं ना। और गायत्री क्या कर रहा है? प्याज काट रहे। क्या बनाने वाला? मैंने लीना बना रही हूँ। लीना बनाएगा आज स्पेशल। और यहाँ पे देखिए एवरी कंट्री का करेंसी यहाँ पे चिपका के रखा है। अलग अलग है। माय गॉड हाउ एनचेंटिंग ये निकल रहा है मेरे मुंह से। एनचेंटिंग माजुली के किचन में हम लोग कुक कर रहे हैं एंड लीना जो है वो आसाम की बहुत ही फेमस फूड ब्लॉगर है, यूट्यूबर है एंड स्टिल सो डाउन टू अर्थ। हम लोगों ने इतनी सारे बातें की कि वीडियो शूट करना ही भूल गए, तो बाद में याद आया कि अरे वीडियो भी हमें बनाना है। This is love guys, ये देखिए ऐसा है यहाँ में कैमरा शूट होता है। मैं ठंडा पड़ी से जानक भी बनाऊं ठीक है। ये तो बिहाइंड द सीन वो व्लॉग का सब हो गया। बिहाइंड द सीन सब इधर आ जाएगा। जालुक भी गिर गया। कैमरा मैन भी गिर गया। जालुक भी गिर गया। बिहाइंड द सीन फोटो भी मन क्यूट। अब हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं आलू। आलू ये नया आलू है ना, जल्दी पक जाता है, इसके बड़ा बड़ा करके रखा है। बहुत स्पाइसी है गाइस, अभी हम लोग इसका टेस्टिंग किया था, इतना स्पाइसी और इतना टेस्टी है विदाउट मसाला। इतना स्पाइसी नहीं है, ये तो बहुत स्पाइसी खाते हैं। ओ माय गॉड। नहीं हम लोग तो मिस्टर घर में बहुत स्पाइसी खाते हैं। हाँ नहीं लेकिन हम भी खाते हैं। हाँ बट ये ज्यादा खाते हैं सच में। हाँ मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी बनता है, पसंद है स्पाइसी खाना। मिर्ची तो डाला ही है। देखो स्पाइसी खाना खाते हैं ना, सिंपल इतने चल रहा है। यहाँ मेरे गाल चमक रहा है, उसका ग्लो ज्यादा नहीं है, एक दो ज्यादा स्पाइसी खाने से निकलता है। यहाँ पे बन रहा है गायत्री और मेरा स्पेशल पिटिका। बहुत मेहनत से हम लोग बना रहे हैं। हम लोग दो दो लोग मिलके टमाटर जलाया, फंस गया लकड़ी थी ये भी फंस गया। ये तो पूरा कस्तब का मुंह में घुस जाएगा। इसको कैसे निकालो? ये गर्म होगा, गर्म होगा। नहीं नहीं अभी अभी ठंडा होगा, हो गया। काटा निकला है जैसे निकला है ये। फाइनली लीना का स्पेशल जालुक और चिकन करी रेडी है और हम लोग खाने के लिए सुपर एक्साइटेड है गाइस। और लीना यहाँ पे हमारे लिए खाना सर्व कर रही है। अभी हम लोग सब लोग मिलके खाते हैं। ये लाल चावल है कि नहीं? ये वाला एक बार नागा किचन में खाया था। ये वाला मिसिंग चावल, ये अलग होगा। मिसिंग का लाल वाला। तुम इतना सीरियस होके क्या बना रहे हो? इतना सीरियस होके कब से मैं यही बना रहा हूं। दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये क्या हो रहा है? ये तो ज्यादा स्पेशल होने वाला है। हाँ वही, इतना टाइम लेके बना रही हूँ ना, बहुत स्पेशल होने वाला। चलो खाते हैं। कहाँ में डालेगा वो कंफ्यूजन है, इतना देरी से बना रहे अभी कहा किसको किसको देगा? सबको दो, सब खाएंगे। मीठा तेल डाला है ना, पूरा प्योर वाला मीठा तेल डाला है, इसका स्मेल ही अलग है। प्योर वाला मतलब खुद वो खुद का वो सरसों को ग्राइंड करके तेल निकाल के। हरिहर हरिहर क्या बोला? हरिहर हरिहर तेल हम पिटिका में खाता है ना, बैंगन का पिटिका हो गया, आलू का पिटिका हो गया, वो एकदम परफेक्ट है आपका हेयर स्टाइल। मतलब वो हरिहर तेल हम लोग पिटिका में ना, अभी सर्दी का सीजन है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, नाक में लगना चाहिए, मतलब
जूडा वाला खाता है ना अच्छा। मस्टर्ड ऑयल तो बहुत मजा लगता है, सर्दी निकल जाता है। सिंपल दाल है क्योंकि चिकन को सिंपल दाल है, बट इट विल बी लुकिंग वेरी नाइस। ना पानी पानी नहीं है, थैंक्स टू निदान। दाली भी यही बनाया है, सब कुछ यही बनाया है। और चिकन ये आग में बनाने वाला स्पेशल चिकन है विद जालुक, चिकन विद जालुक। डर जाएगा, मतलब हम लोग का राइस इतना रहता है पिटिका 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 और लासर। लासर क्या है? बॉयल। ओह बॉयल, हाँ हाँ। वो लासर बोलते हैं, बॉयल फूड पसंद करते हैं ना? पसंद करते हैं ये सब, मतलब बनाती हूँ। We are so lucky, हम लोग को लीना का हाथ का खाना खाने मिला है आज। इतना सुना है, इतना देखा है और आज हम लोग खा रहा है। फाइनली मेरा सपना पूरा पूरा हो गया सच में। राहुल अंबाना का सपना पूरा हो गया, इमोशनल ज्यादा एक्टिंग, बहुत टेस्टी है। और ना जालुक का साथ चिकन हम फर्स्ट टाइम खाए, क्योंकि हम लोग चिली डालते हैं, मतलब जो ब्लैक पेपर इतना यूज नहीं करते ना, तो बहुत अच्छा लगा। मिसिंग ट्रैवल में हम लोग जालुक बहुत पसंद है। राहुल ने बना के नहीं खिलाया क्या तुमको अभी तक? नहीं अभी तक मिसिंग खाना नहीं खिलाया, नहीं खिलाया। बिना तुम बोलो तुमको जस्टिस नहीं हुआ है बनाने के लिए, मिसिंग खाना खिलाना चाहिए उसको। सिखाता हूं मिसिंग खाना, ऑथेंटिक खुद ही नहीं आता, नमक तरह कम आता है। ये दोनों देखो ना गाइस, मेड फॉर ईच अदर। एक जो सोच सके प्लस का एंगल कैमरा का सिनेमेटोग्राफिक शॉट लेते हैं, और एक जो देखो वो खिला तो है चिकन, ये हाथ, वो हाथ टूटा हुआ है ना, इसलिए वो कर देना। सो स्वीट है ये ना, राहुल लोग का अलग व्लॉग बन जाएगा। हम लोग तीन मिलके ना एक चिकन बना सकते हैं ना, थ्री इडियट्स बोल गए, थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स हमारे हो गए। अब बेस हमारा यहां से सब आ ही जाबो, मैं जुड़े नंबर नाइन हो है, थ्री इडियट्स बेसी ভাল है। गाइस बोलो नाम कैसा है, थ्री इडियट्स और थ्री इडियट्स में कौन कौन होगा दिखा दो एक बार, कौन कौन होगा? सबसे पहला, सबसे पहला नहीं, सब एक साथ ही होंगे। हां मैं पहले आ गया, और ये और ये दूसरा वेरी गुड कुक। अभी आप बताओ कि कैसा लगा खाना पीना? और खाना टेस्ट करके बताओ। तो मैंने पहले भी खाया था, बहुत टेस्टी बनाता है ना। अलीना वी रिकमेंड यू टू ओपन अ रेस्टोरेंट वेरी सून। कब खुलेगा रेस्टोरेंट? वेरी सून, वेरी सून। नहीं बहुत अच्छा, बहुत बहुत टेस्टी होता है, हम लोग सब आएगा। तुम्हारा पहले खाऊंगी तुम्हारे रेस्टोरेंट में। मेरा तो पता नहीं कब होगा। ये तुम्हारा भी हो जाएगा खाना का? बहुत टेस्टी है, मैं तो फर्स्ट स्टार्ट किया ना, हमेशा मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूं। और बिलाई का केस भी ना, बिलाई नहीं मिला था हम लोग को टमाटर। हां टमाटर गाड़ी के अंदर से कहां से कहां से ढूंढ ढूंढ के लेके आए। मेन अम्मी से रिव्यू लिया ही नहीं। हां नहीं हम ले रहे हैं ना धीरे धीरे, इधर में मेन आएगा लास्ट। नहीं नहीं सॉरी ब्लॉग बना रहे हैं। देख सो की मजा मोम को तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताइए कि आपको कैसा फील होता है कि हर दिन इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता है? रोज ही क्या अलग अलग, मसाला डोसा, आलू पराठा, दही और वो पिठा, अच्छा लगता है हर दिन, मतलब नया नया आइटम टेस्ट करना, हर दिन नया टेस्ट करने को मिलता है ना। रोज नहीं खाती हूँ।